नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है जामुन। तो आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में जामुन के ही कुछ फायदा बताने वाला हूँ। यह वीडियो अगर आप आधे बीच में छोड़ करके आज के चले जाएंगे तो काफी आपको नुकसान ही होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जामुन से आप ऐसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिसे बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि इन पेड़ पौधों में काफी औषधि गुण होता है, बस थोड़ा बहुत हमें पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इनके औषधि गुणों को नहीं पहचानते नहीं जानते तो यह केवल आपके लिए खाने मात्र की कहा जाए फर रह जाएंगे या आपके लिए केवल बन कचरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके औषधि गुण को पहचानना सीख जाएंगे तो बहुत सारे इसके द्वारा आप जो औषधि लाभ ले सकते हैं, बहुत सारे बीमारी का उपचार कर सकते हैं। जामुन देखने में काले काले छोटे छोटे होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों जामुन खाने से ये आपके शुगर के बीमारी को, किडनी संबंधी बीमारी को, शरीर में कैल्शियम बढ़ाता है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों तीनों होता है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बहुत सारे बीमारी को यह ठीक करने का काम करते हैं। वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद की तरफ दोस्तों थोड़ा सा जोर करें, थोड़ा सा रुचि बढ़ाए, क्योंकि आयुर्वेद की जो जानकारी होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। अभी नहीं तो आप जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएंगे तब यह काम आ सकते हैं। या आपके घर परिवार में किसी को शुगर की बीमारी हो गई, उन्हें आप यह उपाय बता सकते हैं। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलना चाहूंगा दोस्तों, आयुर्वेद जो है ना हमारे भारत की, ये अमूल्य धरोहर है और आयुर्वेद की तरफ हर किसी को आना जरूरी है, क्योंकि जो हम मेडिसिन दवा जो खा रहे हैं ना, ये बाद में चल करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और आयुर्वेदिक दवा जो होते हैं ना, आपको धीरे से फायदा देते हैं, जो भी बीमारी को ठीक करने के लिए खाते हैं, लेकिन 100% या जड़ से समाप्त कर देते हैं हर प्रकार की बीमारी को। अंदर तरीके से जो आयुर्वेदिक दवा है वो समाप्त करते हैं और फायदे नहीं देते ना, तो कई समस्या में नुकसान भी नहीं करते। वैसे हमने देखे हैं, अगर प्राकृतिक उपचार किया जाए किसी भी बीमारी के ठीक करने के लिए तो 90% केसों में ठीक ही हो जाते हैं। चलिए इसके मैं आप लोगों को और भी फायदा बता देता हूँ। सबसे पहले जो जामुन है ना, आंखों संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे कि आंखों में कहा जाए लालिमापन आ जाते हैं, आंखों में काफ़ी दुखना है, आंखों में काफ़ी दर्द होते हैं, तो जामुन के 15 से 20 कोमल पत्ते को 400 मिलीलीटर पानी में पका लें। जब यह काढ़ा 1/4 बच जाए तो इसे आंखों को आपको धोना है, तो आंखों में दर्द है, आंखों में जलन है, वो भी दूर करने का काम करते हैं। किसी भाई ने परसों में कॉमेंट किया कि आप जो जानकारी बता रहे हैं वो गलत हैं। हमने एक जानकारी बताया था, जैसे कि ये जामुन ही नॉर्मल ले लीजिए, जामुन के जो फल है इसके चूर्णा बना करके खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है, हमने बहुत से लोगों को बताया। तो किसी भाई ने कमेंट करके बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब आयुर्वेदिक दवा फेंक है। एक बात बताना चाहूँगा, जो बुजुर्ग है ग्रामीण इलाकों में आज भी रहने वाले, उनसे एक बार पूछ के देखना आयुर्वेदिक दवा अच्छे हैं या मेडिसिन दवा। आप भी अपना राय हमें ज़रूर बताना, कॉमेंट में बताना तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद को आप पसंद करते कि नहीं करते, और आयुर्वेदिक दवा के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है मेडिसिन दवा के ऊपर, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो ये आंखों संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। दूसरा, दांतों के दर्द के लिए, दांत संबंधी किसी भी समस्या से जामुन का जो आप फायदा प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या है, तो जामुन के पत्ते की राख बनाना है और इसे दांत और मसूड़े पर मलना है, तो दांत का दर्द है, मसूड़ों में जो समस्या आ गई है, पक गए हैं मसूड़े, वो भी ठीक हो जाते हैं। या इसका काढ़ा बना करके कुल्ला करने से दांतों से अगर खून निकल रहे हैं तो खून निकलना बंद हो जाते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, जामुन के जो छाल होते हैं इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके छाल की प्रकृति होती हैं ठंडी, तो अगर कई लोगों में पेशाब की जलन हो जाती है, पेशाब अच्छी तरह से खुल करके नहीं आते, तो इसके 2 ग्राम जो छाल लाएंगे, तो छाल को थोड़ा सा ला करके घर में रख लीजिए, कच्चे ही रखना है। 2 ग्राम की मात्रा में कम से कम आपको 400 ml पानी लेना है और इसमें 2 ग्राम की मात्रा में जामुन के छाल डाल के उबालना है। उबालने के बाद जब यह पानी आधे रह जाए तो इसे छान करके आपको सुबह शाम खाली पेट में पीना है, तो पेशाब संबंधी परेशानियां हैं, गर्मी बढ़ गई शरीर में, तो ये गर्मी को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके जो तासीर है ना बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए गर्म संबंधी बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। पाइल्स होने पर भी दोस्तों, यानी कि बवासीर होने पर 10 ग्राम जामुन के पत्ते को 250 मिलीलीटर गाय के दूध में घोंट करके 7 दिन तक सुबह शाम दोपहर में पिला देने से भी बवासीर की बीमारी ठीक हो जाते हैं। लीवर संबंधी परेशानी है तब भी इसके गुठली का सेवन करने से, मतलब इसकी गुठली का पाउडर बना करके 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके पीने से लीवर संबंधी परेशानियां दूर हो जाते हैं। पथरी की बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं।
तो जामुन के 10 मिलीलीटर रस में 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर के कुछ दिनों तक दिन में 2 से 3 बार रोज पीने से मूत्राशय में रहने वाले पथरी टूट करके निकल जाते हैं। अब बताता हूँ डायबिटीज यानी कि मधुमेह में इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। इसमें आपको 3 चीज लेना है। जो लोग डायबिटीज की बीमारी से परेशान है, एक बात का ध्यान रखें, आपको परेशान नहीं होना है। डॉक्टरी दवा से केवल इसका रोकथाम है, डायबिटीज की बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा से जड़ से भी समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपको जामुन के जो जामुन खाने के बाद इसके जो गुठली रह जाते हैं, तो इसके गुठली को धूप में सुखा लें और इसका पाउडर बना लें। पहला आपको लेना है मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए, जामुन को खाने के बाद जो गुठली रहेंगे इसका पाउडर बना लेना है। तो जामुन की गुठली का पाउडर चाहिए पहला। दूसरा आपको चाहिए जो करेले लाते हैं, मार्केट में करेले मिलते हैं, तो छोटे साइज का करेला होना चाहिए। इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। 2 पाउडर हुआ। अब इसमें आपको एक चीज और लेना है, बेल के पत्ते। जो हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं वही बेल के पत्ते, तो बेल के पत्ते आप ले लीजिए। इसके बाद बेल के पत्ते को सुखा करके पाउडर बना लीजिए। अब जामुन के पाउडर, करेले की पाउडर और बेल की पाउडर, ये तीनों की पाउडर को आपको 1.5 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में डाल करके इसे उबालना है, और कम से कम 1/2 गिलास पानी बच जाए तो इसे छान करके सुबह हम खाली पेट में पीना है। तो 1.5 महीने के भीतर में, हमने यह दवा बहुत से लोगों को दिए हैं, 1.5 महीने के भीतर में यह शुगर की बीमारी के नामों निशान तक मिटा देते हैं। शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं करता बल्कि उनका नामों निशान मिटा देते हैं। यानी कि आपके शरीर में शुगर रहेंगे, इंसुलिन रहेंगे, तब तो आप जीवित रहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि शुगर की बीमारी को पहले जैसे ही आपको स्वस्थ कर देंगे उसका नामों निशान तक मिटा देते हैं। पहले जैसा भी लाइफ स्टाइल जिंदगी जी सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करना है, शुगर की बीमारी के नामों निशान तक मिटा देते हैं। डॉक्टरी दवा से केवल कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन शुगर की बीमारी का जड़ से खात्मा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने आप लोगों को जो प्रयोग बताए इसे शुगर की बीमारी का जड़ से खात्मा किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को प्राकृतिक उपचार सिखाता हूँ ये आपको जरूर पसंद आता होगा। तो मैं जल्द जुड़ता हूँ आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय आयुर्वेद।